एबीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ तहसील माटीगंज प्रांगण में आज बार एसोसिएशन अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि जयनारायण पांडे जी लखनऊ से चलकर आए थे। काफी सजावट देखने को मिली। विधि विधान से शपथ ग्रहण समारोह किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अवनीश कुमार सिंह, मंत्री पद पर बद्रिका प्रसाद यादव, कई अधिवक्ता को पदासीन अधिवक्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई गई। अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए कार्य करेंगे, सामंजस्य बनाकर कार्य करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जनता के न्याय के लिए अधिकारियों द्वारा न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि जयनारायण पांडे ने बताया कि जो भी दिक्कत समस्या रहेगी, हम लोग अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन तक भी पहुँचाएंगे। हड़ताल ना के बराबर किया जाना चाहिए, कार्य अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में तहसील के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज देखिए मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। शपथ समारोह ग्रहण था, अब आप लोग क्यों रुके आए हैं, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। पाटिलगंज तहसील बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में आज जितने भी पदाधिकारी शपथ लिए हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अधिवक्ता और उसके आसपास के जितने समाज की बेहतरी के लिए काम हो, वो साथ मिल करके वादकारियों के हित के लिए बार और बेंच से सामंजस्य बनाते हुए जितना बेहतरी से बेहतरी हो वो यहाँ पे काम करें, हड़ताल कम करें और काम जारी रखें। ठीक है। जो भी कार्य करूंगा संघ के हित और सद को मानते ही करूंगा। मैं संघ के सम्मान्य सदस्यों का बिना किसी भेदभाव के सम्मान करूंगा तथा संघ में मर्यादा व शालीनता को हमेशा कायम रखूंगा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं मैं जो भी कार्य करूंगा अभी सात दो भाई हमारे बचे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि उनके और फिर नाम यादव जी का पूर्व अध्यक्ष है निवर्तमान अध्यक्ष फूलपुर के मल्यांग का स्वागत करें। पीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक।